नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बड़ी खबर इस वक्त बिहार से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि शराब की तस्करी करने वाले पश्चिम बंगाल के शराब तस्कर समर घोष को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की तरफ से आदेश दिया गया, उसके बाद से ही बिहार पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है और यही वजह है कि जितने भी शराब के तस्कर हैं उन सभी को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन सबके बीच बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल के शराब तस्कर समर घोष को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि जहां एक तरह समर घोष ने कई तरह से अवैध धंधे उसकी तरफ से चलाए जा रहे थे, शराब के अवैध कारोबार उसकी तरफ से चलाए जा रहे थे, इसको देखते हुए बिहार पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के इस शराब तस्कर समर घोष की गिरफ्तारी कर ली गई है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी अभियान को नए साल में बड़ी सफलता मिली है। मद निषेध टीम और बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल से लगते इलाकों में शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बिहार पुलिस ने नए साल में पश्चिम बंगाल के बड़े शराब तस्कर समर घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। समर घोष पर आरोप है कि वह बिहार के तकरीबन आधा दर्जन जेलों में अवैध तरीके से शराब की आपूर्ति करता था। झारखंड के रास्ते बिहार में शराब की तस्करी की जाती थी। बिहार पुलिस को समर घोष की लंबे समय से तलाश थी, अब जाकर वह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि बिहार मद निषेध विभाग की टीम ने पश्चिम बंगाल के बड़े शराब तस्कर समर घोष को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। समर घोष की गिरफ्तारी मद निषेध विभाग और पूर्णिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पूर्णिया जिले से की गई है। समर घोष पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर का रहने वाला बताया जाता है। समर घोष की गिरफ्तारी से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों के अवैध शराब के कारोबार पर काफी हद तक नियंत्रण पाने की उम्मीद है। शराब माफिया समर घोष पश्चिम बंगाल राज्य के दलकोला और उसके आसपास के जिलों में छोटे शराब माफियाओं को वर्षों से संरक्षण दे रहा था। शराब माफिया विदेशी शराब की तस्करी के साथ साथ डुप्लीकेट शराब और स्प्रिट की आपूर्ति भी करता था। लेकिन ये बड़ी जो कामयाबी है वो मद निषेध विभाग ने हासिल की है, जिसमें पश्चिम बंगाल के शराब तस्कर समर घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि समर घोष कई तरह से अवैध शराब का कारोबार करता था। इतना ही नहीं, बिहार के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में अवैध शराब की बिक्री वो करवाता था और ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त बिहार पुलिस की तरफ से की गई है, जिसमें मद निषेध विभाग ने भी जो सफलता है वो हासिल की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां शराब की तस्करी करने वाले समर घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आगे की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जाएगी और जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो भी अब पुलिस पूरी करेगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से समर घोष की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर पुलिस का भी यही कहना है कि समर घोष की गिरफ्तारी के बाद कई हद तक शराब के अवैध कारोबार पर रोक लग जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।